सभी ने डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। वन चाइल्ड वन डॉटर, सो वी आर वेरी लकी अबाउट यू ऑल्सो हैव वन डॉटर। दिस इज अ ग्रेट हाउस वेयर वी आर ब्लेस्ड दैट विद डेकेड्स वी आर जेन्युइनली लिबरल। वी आर नॉट लुकिंग फॉर वन, देयर आर मेनी फैमिलीज व्हिच कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग वेयर वी आर नॉट ट्रैप्ड इनटू जेंडर्स। पर आज तक दुर्भाग्य है इस पार्लियामेंट का और इस हमारी पूरे सदन का कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पे किया गया पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा। कई ऑपोजिशन के नेताओं ने अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अदर स्टेट्स में भी हमने आरक्षण लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षण जिला परिषद ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। I was fortunate enough to say it's my father Sharad Pawar who in Maharashtra was the first state to implement Panchayat Raj 33% reservation. And it's about the girl child. I mean, Sunita Dugalji was talking about the issues that women have. Fortunately, I was born in a very liberal home. My father and my mother, there was only one condition my father laid to my mother, that if we have a child, whatever the gender, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child. And I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child as her parents have had. So we come from these families. You also, Raja ji also has only one. But mera ek sawal bhi rahega, sir. कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था, तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया, और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। और जिस दिन ये पार्लियामेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं, जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो महिला से शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो महिलाओं के नाम से जय जयकार होती है।